सीबीआई द्वारा शनिवार को पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनके निवास स्थानों पर छापा मारा गया था, जिसका विरोध शहर राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को अपना समर्थन दिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के मामले में वहां से ले गई। बता दें कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के अलावा और कई अज्ञात लोगों पर मुंबई के पूर्व सीपी परमबीर सिंह के आरोप के मामले में केस दर्ज किया गया है और इस मामले में सीबीआई कई जगहों पर तलाशी भी ले रही है। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा जिस प्रकार से लगातार ये केंद्र की सरकार भारत सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है। हमारी इतनी मांगनी है कि हमने जो माननीय उच्च न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि प्राथमिक चौकसी करके अहवाल जो है वो कोर्ट को सादर करना है, लेकिन सीबीआई ने किसी प्रकार का कोर्ट का अहवाल सादर नहीं किया, डायरेक्ट गुनाह दाखिल किया। गुनाह दाखिल तो किया, गुनाह दाखिल करने के बाद स्टंटबाजी के लिए छापेमारी शुरू की गई है। ये महाराष्ट्र की राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश जो है ये केंद्र सरकार के तरफ से हो रही है। बीजेपी बहुत नीचे की हद तक गिर गई है, किसी भी हालत में बीजेपी यहाँ सरकार बनाना चाहती है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नागपुर शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, आज आम्ही मीडियाच्या माध्यमातून बघितलेलं आहे की अनिल देशमुख साहेबांवर गुन्हा दाखल झाला व सीबीआयने छापा टाकलेला आहे, तर हे सर्व कोणाच्या सांगण्यावरून झालेलं हा आमचा पहिला प्रश्न आहे। जेव्हा न्यायालयाने म्हटलं होतं की 15 दिवसात अहवाल सादर करावा, हा अहवाल सादर न करता अचानक कसं काय छापेमार कारवाई आणि यांनी गुन्हा दाखल केलेला आहे, हे सर्व कोणाच्या म्हणण्यावरून आणि इशाऱ्यावरून होत आहे? अमित शहा यांच्या इशाऱ्यावरून होत आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्र फडणवीस हे सगळे इथे नाटक करतायत आणि हे सर्व षड्यंत्र करतायत।